गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। देख रहे हो भाई कितनी जल्दी उठ गया मैं हो गया भाई बिल्कुल तैयार। यहाँ पे हो गया भाई मेरा बैकपैक। और अभी ना तुम्हें बाहर सुबह ना 6:30 बजे के नजारे दिखाता हूँ कि भाई सुबह 6:30 बजे कैसा मौसम होता है। जो नहीं उठता उसके लिए भाई ये देखो भाई कुछ इस तरीके से है। उस तरफ पूरी हल्की हल्की धुंध आज तो तुम्हें सुबह सुबह दिख रही होगी। ये देखो दिख रही है हल्की हल्की धुंध। ऊपर अभी थोड़े सूरज देवता अभी ढंग से पूरे आए नहीं। और मैं निकल रहा हूँ भाई आज जयपुर। और जयपुर मैं क्यों जा रहा हूँ ये तुम्हें आज के व्लॉग में धीरे धीरे पता चलेगा। ओए स्किप मत करना भाई, उंगली हटाओ, स्किप नहीं कर रहा कोई। 2 मिनट लगा के करो चैनल सब्सक्राइब और इस व्लॉग को करो लाइक। ये वाला जो व्लॉग है ना भाई बहुत महंगा होने वाला है, बहुत महंगा। आज एक महंगी चीज घर आने वाली है। तो ये आ गया भाई अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में भाई सुबह सुबह जल्दी तो चटनी बन सकती थी इसलिए चटनी बना दी। सुबह सुबह भाई इन्होंने एक हल्की सी जैकेट पहन ली क्योंकि ना स्कूटी पे ठंड लगेगी। पाव जी मेरे को छोड़ के आ रहे स्कूटी पे, धो लो फिर वहां से बस पकड़ लूंगा। पहुंच गए भाई हम लोग धो लो गुआ। अभी ना पापा जी आ रहे उधर से घूम के क्योंकि यहाँ पे ना इस वाली रोड पे खड़ी करेंगे, इस वाली भी खड़ी करेंगे तो उठा लेंगे कोई ना कोई। अब इनके रेट वगैरह पता करता हूँ। मिल गई भाई मेरे को बस ये वाली जो है ना ये लेके जाएगी पुराने वाले हाईवे से। 7:30 बजे चल चुकी भाई ये, अब ये लगाएगी 4 या 5 घंटे। पहुंच गया भाई फाइनली मैं जयपुर। अभी खड़ा हूँ मैं ट्रांसपोर्ट नगर पे, टाइम हो रहा है 12:30। एक बार ये हालत देखना कैसी हो गई, कितना सुंदर बन के गया था भाई मैं घर से और ये हरियाणा रोडवेज ने भाई ऐसी तैसी कर दी। भगवान कसम आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा हरियाणा रोडवेज में, कभी नहीं जाऊंगा। सिर्फ 150 रुपये बचाने के चक्कर में भाई ये ऐसी हालत हो गई। इससे बढ़िया बस कर रहा था मैं, पापा जी ने ये वाली करवा दी जबरदस्ती। कह रहे क्या करेगा इसी वाली में बैठ के। अब दिनेश आ रहा, दिनेश को फोन करा, दिनेश आ रहा लेने के लिए भाई। ये खड़ा दिनेश भाई, इसने शीशे काले करा लिए भाई साहब, बदमाशी तो टोपी चल रही है भाई। इतनी घटिया बस है हरियाणा रोडवेज। एक तो मेरे गर्दन में दर्द हो गया, अरे मेरे नीचे कूलों में दर्द हो गया, पीछे पीठ में दर्द हो गया। बूढ़े बड़ों के लिए सही है वही। तुम्हें भाई इतने झटके बस के अंदर कंफर्ट ही नहीं है, 1 रुपए का कंफर्ट नहीं है। मैं तो मेरे को ये मैं भाई ना पहली बार बैठ रहा था इसके अंदर, ठीक है मेरे को पता नहीं था। अगर इतनी बुरी होती ना मैं साला कभी बैठता ही नहीं इसके अंदर। अब अगली बार जब वापस अभी घर जाऊंगा ना तो मैं वही बैठूंगा जो इसने मेरे को रिकमेंड करी थी। ये गया था धूला कुआं से 400 रुपए की बस खरीदी इसने, वो थी राजस्थान रोडवेज, वो बढ़िया थी। ये हरियाणा रोडवेज इतनी टट्टी बस है साली, कोई मत बैठो। मैं बता रहा हूँ कोई बैठो ही मत इसके अंदर, परेशान हो गया मैं भाई। ये पापा जी कहते कि ना क्या करेगा इस वाले मौसम में एसी में बैठ के बीमार हो जाएगा, इसे इसलिए बैठने नहीं दिया मेरे को भाई साहब। इतना गंदा कंफर्ट, मतलब माइनस में चले जाओ तुम, ऐसी बस है ये, आज के बाद नहीं बैठे कभी। और हाँ भाई मैं तो बताना भूल ही गया कि मैं जयपुर क्यों आया हूँ भाई। मेरे को पता कोई ना कोई तो स्किप कर देगा, इसकी वजह से मैं पहले ही बता देता हूँ। ज्यादा वो क्या कहते हैं माहौल नहीं रखते भाई। हिमांशु भाई ना अपने दूल्हे राजा, वो ले रहे हैं भाई गाड़ी विटारा ब्रेजा, नहीं ग्रैंड विटारा, ग्रैंड विटारा, ग्रैंड विटा गाड़ी ले रहे हैं ग्रे कलर की। अब मॉडल वगैरह मेरे को पता नहीं तो इसलिए आया हूं मैं डिलीवरी के लिए। अपनी जो पुरानी गाड़ी जिसपे भाई हमने पुष्कर वगैरह करा था, कितने लंबे लंबे सफर करे थे, वैगनार जिसपे हमने करा था पुष्कर वगैरह, वो सब वो आज हम बेच देंगे, वो एक्सचेंज हो जाएगी तो उसकी वैल्यू देखते क्या लगेगी। फिलहाल तो अभी घर पहुंचते हैं, फ्रेश होते फिर निकलेंगे शोरूम के लिए। गाड़ी भाई बहुत ज्यादा गंदी हो रही, देखना हर जगह मिट्टी मिट्टी। ये देखो इधर कीचड़ लगा हुआ है, एक मैं कहते यहाँ भी थे टायर के आसपास। देखो ठीक है, ऑफ रोडिंग करके आएगा तू, देखना लद्दाख से आया, लद्दाख से आया। तो भाई इस पर ना पानी मरवा रहा, साफ हो जाएगी। प्रेशर तो बढ़िया भाई पानी का, देखना क्या तेज है। अब भाई इसके अगर तूने पीपीएफ कराई होती ना तब फट जाती ये, था पीपीएफ के टाइम पे। अब पूरी गाड़ी साफ हो जाएगी भाई, सही प्रेशर आ रहा है, देखना सारी मिट्टी हट जाएगी। अब बढ़िया चमक गए भाई शीशे की जैसे, देखना सारी सारी मिट्टी उतर गई। ये बढ़िया चीज़ है सफ़ेद रंग की, ये जल्दी भाई मतलब इसमें ना जल्दी दिखता भी नहीं कोई चीज़ अगर ज़्यादा, अगर जब तक ना हो ना, जब तक कोई ज़्यादा मिट्टी ना हो तब तक दिखता भी नहीं। हल्की फुल्की तो चलती है इस पर। अब देखो सिर्फ एक पानी मारा और साफ हो गई पूरी, मस्त लग रही है भाई। फ्रेश वगैरह होके कपड़े वगैरह चेंज करके निकल गए मैं, कहाँ गया ये दिनेश और जयंत, कहाँ गया ये रहा, हम तीन लोग जा रहे हैं भाई यहाँ से। अभी लोकेशन वगैरह मैं हिमांशु भाई से मंगाता हूँ, अभी ना वो उनका फ़ोन थोड़ा बिजी आ रहा है, फिर बता दो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मतलब लेने तो हम डिलीवरी जा रहे हैं लेकिन लोकेशन नहीं पता ना शोरूम की कौन सी है। शोरूम भाई हिमांशु भाई ना घर के पास में ही है, यहाँ से हमें लगेगा 18-19 किलोमीटर। हाईवे तो हम चढ़ चुके हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। पहुंच गए भाई हम लोग फाइनली शोरूम। और देखो अपनी गाड़ी तो यहीं खड़ी, देखो साफ हो रही है अभी। ये वाला कलर है ग्रे है भाई हिमांशु ने वीआईपी नंबर लिया, देखना
3000 अभी तो कह रहा था कि पैसा नहीं है, देख रहे जयंत 3000 भाई हम, अबे हमारी कहाँ गई बोरी भाई, हम भी पीछे छूट गए, देखो 28-27 ले रखा है, ये लेना पड़ेगा जयंत 3000 देखियो भाई, बात तो है कुछ। फिर आप ले लेना थ्री, मैं तो बन लूंगा ना, साथ घूमेंगे 3000 बन लूंगा ना भाई, गाड़ी कलर तो बढ़िया लग रहा है। फिर आप 4x0 ले लेना। अरे इसमें मॉडल कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, ये तो लिखा ही नहीं इसके पीछे, ये तो हिमांश से पूछना पड़ेगा। और हमने लिया भाई देखो CNG वाली, इसमें CNG होगी, इसमें मतलब थोड़ी किस साइड पर होगी वो देखते हैं। और भाई कितना जोर से उछल, ये तो ऐसा लग रहा है बेस्ट ट्यूब है, लेकिन फिर भी जगह काफ़ी सारी बच गई इसके अंदर, CNG लगने के बाद भी काफ़ी जगह है, देखो बढ़िया लग रही है। आप सो सकते हो इधर आराम से, है ना, सो तो सकते हैं भाई। एक दो बार ओए भाई ओए, इसके हाइड्रोलिक कितने टाइट हैं, लग तो रही भाई तगड़ी लग रही है गाड़ी तो, अंदर से देखें। अच्छा यहाँ पे भाई ये रिक्वेस्ट सेंसर आ गया, दोनों साइड पे होगा, ये तो इंटीरियर तो बढ़िया लग रहा है भाई, देखना अच्छा लग रहा है, फिनिश अच्छी है इसकी, कपड़े का है। अभी चलते अंदर शोरूम के भाई। भाई देखो ये खड़े मालिक कितने सिंपल है, देखो इतनी महंगी गाड़ी चप्पल में लेने आया है मैं भी चप्पल में ही खड़ा हूँ भाई। मंजू आपने 3000 नंबर लिया, किसी को बताया नहीं आपने यार, कैसे पता, बार बार उसने लिख रखा था। पी लो भाई पी लो, 16 लाख की कॉफी पी लेते हैं, ओ पी लो बढ़िया बढ़िया बनाता भाई नेक्स्ट वाला, ये इसने बताया था मेरे को। अब चमक गई भाई धुलने के बाद, है दिन चमक गई ना, बढ़िया मस्त लग रही है, देखना कपड़ा वपड़ा सही मार दिया, टायर पे भी मार दिया। और ये जो मॉडल है ना भाई, ये है टॉप से एक नीचे वाला मॉडल, बढ़िया लग रही है देखना। अब इसकी ड्राइव लेंगे तो वो तब पता चलेगा। मैंने सर कितने क्या इसका CC वगैरह क्या है, कुछ 1500 इंजन है। और कलर देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, अपनी पुरानी गाड़ी बताऊँ कहाँ खड़ी है, वो वहाँ खड़ी है पीछे उस तरफ, अभी उस पर भी नज़र डाल के आते हैं भाई, इसकी भी याद आ रही है बढ़िया लग रही है। ये भाई इसका इंटीरियर, ये हो गया भाई इंफोटेनमेंट अपना, हिमांशु बता रहे मैं कहते 7 इंच का है ये, और यहाँ पे अपनी हैजार्ड लैंप हो गई, और ये देखो यहाँ पे AC कंट्रोल, और यहाँ पे स्विचिंग का CNG और पेट्रोल के लिए, बाकी अपना डायरेक्शन कंट्रोल हो गया, नीचे चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जर, और गियर कितने इसके अंदर, 5 गियर हो गए, और यहाँ पे हो गया अपना स्टेयरिंग, स्टेयरिंग के आगे भाई देखो क्रूज कंट्रोल वगैरह सब है ना दिनेश, क्रूज है ना ये रहा, क्रूज ये तो रहा, हाँ ये क्रूज कंट्रोल हो गया। बाकी इसका देखो टैकोमीटर देखो कितना खतरनाक लग रहा है भाई साहब, बढ़िया लग रहा है। ये खड़ी भाई अपनी पुरानी गाड़ी, कितनी प्यारी कितनी सुंदर लगती है मानसो है, और ये क्या कर दिया आपने इस तरफ भाई साहब, भाई नई गाड़ी आती डेंट मार दिया बढ़िया लग रही है, अभी भी चल रही है ना सही है ना, डीओ तो निकाल लो, हाँ ये डीओ खुशबू वाला, मैं कह रहा मानसो इसको उसमें लगा दो ओला में, अरे यार इसका भी सही, इसका भी सही रेट निकला है, इसका रेट बताना है कितने की निकली है, निकल गई लेकिन भाई काफी बढ़िया रेट में निकली, काफी बढ़िया, इसकी उम्मीद नहीं थी, बढ़िया लग रही है इसकी, हर जगह से रंग वगैरह निकल रहा है, छत से भी रंग निकल रहा है, लेकिन भाई अपनी ना बढ़िया रेट देके गई है, हाँ चलती शानदार है भाई, पुष्कर लेके गई थी हमें, और क्या उम्मीद कर सकते हैं इससे, बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनाया इसने हमारे साथ। भाई देखो हिमांशु भाई गाड़ी ले रहे हैं, तो हिमांशु भाई ने भाई यहाँ पे भाई बहुत बड़े मंत्री को बुलाया, ओ भाई एस क्लास, अरे उधर क्यों चली गई, अच्छा मेरे ख्याल से घूम के आएगी पीछे से, आगे से आ रहे हैं, हाँ आगे से आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, हाँ ये पार्किंग लगा रहे हैं ना पुलिस वाले भैया, ये रे यहाँ पे लगवाएंगे अभी गाड़ी, यहाँ पे आगे से घूम के आएंगे, देखना कितनी बड़ी कॉन्वॉय है भाई साहब, गाड़ियाँ आए जा रही है। फाइनली भाई टाइम आ चुका है डिलीवरी का, कपड़ा इस पर लग चुका है, सारे के सारे लोग आ चुके हैं, फूफा जी, जिया जी, पिंचू दीदी, युवराज, ये लगी डंडली आई ये ब्लॉग बनाई है इससे बुआ जी, हिमांशु भैया, दिनेश, अब करेंगे भाई उठाएं पर्दा मुबारक हो मालिक भाई, मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो, देख लो भाई बढ़िया लग रही ना गाड़ी अपनी, रिबन वगैरह सब लग गए इसके ऊपर, हमने भाई वो नहीं लगा, वो ना स्क्रैच वगैरह देता है, अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रही भाई गाड़ी। मालिक साहब ने पहली गाड़ी स्टार्ट करी है, कैसे लग रही गाड़ी चला के, अभी तो चलाओ चलाओ चलाओ, रुक नहीं नीचे, अब सीधा सीधा बाहर ले जाओ, सीधा पार, फोर्ड सबाश, ओ इससे तो उठ ही नहीं रहा पूरा जोर लगा दिया इन्हें शेर ने फोड़ा, शेर ने बढ़िया बढ़िया, मुबारक हो मालिक मुबारक हो, ये डंडी लेके व्लॉग बना रही है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रही है भाई, बहुत सुंदर, सबसे अलग लग रही है पूरे व्लॉग में,
इतना कोई तैयार हो गया नहीं आया जितना सिखा थी तैयार हो गया। बहुत बढ़िया लग रही है। 2-3 घंटे तो लगे होंगे ना। हाँ ये तो है। सुंदर नहीं लग रही थे, कितनी प्यारी लग रही है। अब रात को देखो भाई इसका इंटीरियर कितना बढ़िया लग रहा है ना। अरे अच्छा पेट्रोल भराने के लिए कह रही है भाई। भराएंगे भराएंगे। अरे अरे ओ बाला ओए चुप हो जा ए बाला चुप हो जा। हाँ अब बढ़िया लग रही है। टैकोमीटर देखो उसका कितना बढ़िया लग रहा है ना। ऐसा लग रहा 3D सा लग रहा है बिल्कुल। और ये भाई अपनी CNG वाली, CNG और पेट्रोल। CNG में बता रहे कि भाई 26 की माइलेज है CNG की, और पेट्रोल की तो वैसे पता नहीं। अभी बढ़िया लग रहा है इंटीरियर देखना। मस्त गाड़ी है भाई, मज़ेदार भाई मज़ेदार। और ये भाई इसकी कुछ बेसिक सी की मारुति नेक्सा वाला की सबकी ना एक सेम ही होती है। बलिनो की भी ऐसी आती है, फ्रॉन्क्स की भी ऐसी आती है, इसकी भी ऐसी है। ये नेक्सा वाला की तरफ से भाई एक गिफ्ट मिला है, खोल के देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा 2 ग्लास, एक डायरी है और एक वाटर बॉटल। चीयर्स चीयर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल भाई हम लोग जा रहे हैं इस महंगी वाली गाड़ी में। हम लोग जा रहे हैं भाई यहाँ से अभी मंदिर बड़ी चौपड़ पूजा कराने के लिए। भाई साहब ये पुल देखना भाई कितना बढ़िया बना रखा है देखना। ओ भाई लाइटिंग देखो इसकी कितनी सुंदर लग रही है। ये सामने देखो भाई आप लोगों के हैं हवा महल, देखना भाई क्या आलीशान लगता है भाई साहब। इतनी पता नहीं कितनी हजार खिड़कियां इसके अंदर, इतनी हजार खिड़कियां। लोग देखो कितनी तादाद में आए घूमने के लिए, देख रहे हो सारे के सारे फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ ये देखो सब फोटो खिंचा रहे हैं भाई साहब, कितना बढ़िया लगता है यार ये। एक्सयूवी तो भाई हमने अपनी ना यहाँ पार कर दी, हमें जाना है रोड के उस पार, वहाँ पे है सामने मंदिर। मंदिर तो भाई हम लोग पहले ही पहुँच गए, हम लोग पहले पहुँच गए, वो लोग अभी तक आए नहीं, फोन कर रहे थे कि हम पहले पहुँच गए, अब वेट करते हैं उनका। मंदिर देखो भाई कितना आलीशान है, पहले देखना ये पहले ना किसी राजा महाराजा का था, लेकिन अब बाद में ना ट्रस्ट के नाम पे हो गया तो इसको मंदिर बना दिया। यहाँ की देखो मार्बल भाई उसी टाइम की और अभी तक ऐसी की ऐसी है। ड्राइंग देखना इन पे भाई, हाथों से कलाकारी करी है हाथों से, अभी तक ऐसी की ऐसी। ये दरवाजे दिख रहे हैं ना, ये देखो ये दरवाजे भी अभी अभी ऐसे की ऐसी पड़े हैं, ऐसे कैसे सेम टू सेम, गला ही नहीं अभी तक। और यहाँ पे सामने मंदिर, यहाँ से देखो मंदिर कितना बड़ा है देखना भाई साहब, कितना बढ़िया लग रहा है। जयपुर में भाई सब कुछ ना आलीशानी को छोटा है ही नहीं, यहाँ पे हर जगह महल ही महल दिखेंगे तुम्हें। लो भाई दर्शन कर लो तुम लोग भी, तुम्हारे भाई के ब्लॉग से देखा कितना सुंदर बना रखा है भाई। और ये है भाई इस महल की हिस्ट्री, पढ़ने के लिए ना वीडियो पॉज कर लेना या तो स्क्रीनशॉट मार लेना। इन सब दरवाजों पे ना भाई देखो इस तरीके का ताला लगा हुआ है, कोई मत खोलना इन दरवाजों को, बस मैं तुम्हें वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैं नहीं खोलूँगा। ये देखो सब पे सील लगी हुई है सरकार की, अंदर नहीं जा सकते तुम। ये भी इधर, ये भी बंद पड़ा है, ये भी बंद पड़ा है, ये बंद पड़ा है, ये देखो देख रहा है। पता नहीं भाई हो सकता है हमारे जाने के बाद ये गेट वापस से ऐसे जो 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 ऐसे होए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मंजू लिखा हो इसके अंदर, कुछ भी हो सकता है। उस गली से आए थे हम तो यहाँ से घूम के फिर वापस सामने मंदिर के अंदर पहुँच जाएंगे। हो सकता है भाई मंजूली का कुछ भी निकल सकता है। ऊपर देखो खिड़की बना रखी है, ये दरवाजे देखो इसके डिजाइन देखो दरवाजे के अभी तक। हेलो मंजुली का, हाँ मैं मंजुली का, बुलबुलिया 4 बनेगी फिर यहाँ पे। सब पे ताला लगे हुए देखो, ये रहा ये तो ये लगा पड़ा ताला, उसी जमाने का था, पूरा जंग लगा हुआ है, मैं तो आदमी लगा रहा। स्वस्ति नस्तार्थ्यो अरिष्टणेमिहि स्वस्ति नो बृहस्पते दधातु ॐ अपवित्रः पवित्रवा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ॐ गणद्वारां दुराधष्टामिति पुष्टं कृशं ईशनि च भूतानां च समर्पयामि नमस्काराय नमो नमः। गाड़ी कैसी लगी युवराज? ठीक है। एक्सयूवी ज्यादा अच्छी है फिर ये वाली? एक्सयूवी ज्यादा अच्छी है, ये तो गलत बात है, मामा ने नई गाड़ी ली है तो आपको बोलना चाहिए ना ये वाली गाड़ी अच्छी है। भाई मेरे ना होंठ फट रहे थे तो मैंने ना बोरो प्लस लगा ली, ये दी थी मेरे को, होंठ देखने का सफेद हो गए। बोरो
चपला से सफेद ही करता है। पता नहीं ऐसा लगा जर्दा खाया मैंने, देखना जर्दे से सफेद नहीं होते, लाल होते हैं। लाल होते सभी जी। वो क्या होता चूना छोटे सी डब्बी में, वो भी तो होता है कुछ। वो चूना तो थोड़ी खाते जर्दे में, सब पता है इसको, दिल्ली में अलग मिलता है। चलो भाई फिलहाल सोने जा रहे हैं, व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और नई वाली व्लॉगर सब्सक्राइब करके बोल दो इनको, ये देख सब्सक्राइब ही नहीं बोल सकते। देखना उधर देख के बोल रहे, युवराज तो बोल दे सब्सक्राइब कर दो इनको, युवराज है। अरे दे वो ब्लॉग क्यों कर रहा, अब ठीक है सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सोने जा रहे भाई, बहुत ज्यादा थक गए सारे के सारे।